नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जब वीरता का नाम लिया जाता है तो इनका नाम ही काफ़ी होता है वीरता शब्द को डिफाइन करने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा गुरु गोविंद सिंह के सबसे प्यारे शिष्य बंदा सिंह बहादुर के बारे में। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर के जन्म का नाम माधवदास था और इनका जन्म सन 1670 ईस्वी में कश्मीर स्थित पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। जब इनकी उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ी और ये मात्र 15 साल के थे तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने इन्हें हिला कर रख दिया। एक बार ये शिकार पर निकले थे, मतलब कह सकते हैं घूमने फिरने निकले थे, तो उन्होंने देखा कि एक मृग है वो एक बच्चे को जन्म दे रहा था और जन्म देते देते असहाय पीड़ा के कारण वो मृग वहीं पर मर गया। इस चीज़ को देखकर ये बहुत विचलित हो उठे और इन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं वैराग धारण करूंगा। और इन्होंने वैराग धारण कर जानकी दास नामक वैरागी को अपना गुरु मान लिया और आगे के कुछ वर्ष जानकी दास के साथ रहने के बाद माधवदास रामदास के संपर्क में आए और तथा उनसे उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली। इसके पश्चात माधवदास ने योग साधना सीखी तथा नादेड़ क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर अपना इन्होंने आश्रम बनाया और वहीं पर रहने लगे। और दोस्तों, जब ये सारा का सारा काम हो रहा था तो उस वक्त हमारे देश में मुगलों का शासन था और राजा था औरंगजेब, जो कि ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा था और ना होने पर असहाय अत्याचार कर रहा था। जिसके कारण एक बार क्या होता है कि सन 1718 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी नादेड़ आते हैं और पहली बार उनकी मुलाकात होती है बंदा सिंह बहादुर से। जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नादेड़ आते हैं और उन्हें माधवदास की कुटिया दिखती है तो वो उस कुटिया में जाते हैं और वहीं पर अपने साथियों के साथ रुकते हैं और कहते हैं कि यहीं पर खाना वगैरह पकाओ, हम यहीं पर ठहरेंगे। मगर उस वक्त बंदा सिंह बहादुर अपनी गुफा आश्रम में नहीं रहते हैं, वो बाहर शिकार खेलने गए हुए होते हैं। जब बंदा सिंह बहादुर लौटते हैं और पहली बार बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी का आमना सामना होता है तो बंदा सिंह बहादुर को बहुत कह सकते गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये कौन सा शख्स है जिसने मेरी परमिशन के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे आश्रम में प्रवेश किया और खाना भी बना रहा है और बड़े आराम से बैठा है। तो उन्होंने अपनी तंत्र विद्या इस्तेमाल करना शुरू कर दी, मतलब प्रयत्न करना शुरू कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी को सबक सिखाने के लिए। मगर वो तो गुरु थे। जब बार बार कोशिश करके भी बंदा सिंह बहादुर हार गए तो उन्होंने गुरु के चरणों में अपना सर रख दिया। और कहा जाता है कि जब बंदा सिंह बहादुर को पहली बार गुरु गोविंद सिंह ने देखा तो वो उन्होंने अपने मन ही मन कहा कि ये एक योद्धा है, इसका जन्म वैराग के लिए नहीं हुआ है बल्कि अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। और वो बंदा सिंह बहादुर को समझाते हैं और कहते हैं कि राजपूत अगर वैराग धारण कर लेंगे तो फिर असहाय लोगों की रक्षा कौन करेगा। जब ये बात बंदा सिंह बहादुर को समझ में आती है तो गुरु गोविंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर का अमृत पान करवाकर उन्हें सिख बनाते हैं और उनका नाम देते हैं गुरु बख्श सिंह। मगर प्यार से गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें बंदा सिंह बहादुर कहते थे और इसी कारण इनका नाम, ये नाम पूरे के पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। जब बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी से सुनते हैं कि किस तरह मुगल जो हैं वो भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके अपने दो बेटे, खुद के बेटे साहिबजादे उनको मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस कारण की वजह से कि उन लोगों ने अत्याचार को सहने से मना कर दिया, उन लोगों ने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया। जब ये बात बंदा सिंह बहादुर को पता चलती है तो विचलित हो उठते हैं।
उन्हें लगता है, उन्हें थोड़ी गिल्टी फील होती है कि मैं क्यों बैराग धारण करने चला गया, समाज को मेरी ज़रूरत है। और यही से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। सन 1709 ईस्वी में वो गुरु गोविंद सिंह जी की आशीर्वाद लेकर निकल पड़ते हैं पंजाब की तरफ। और सबसे पहला जो वॉर होता है, सबसे पहला युद्ध होता है, वो सामना का युद्ध होता है, जिसमें बंदा सिंह बहादुर की फौज ने बहादुरी से लड़ते हुए मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। मगर अभी भी बंदा सिंह बहादुर चैन से सो नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें चाहिए था वजीर खान। हाँ दोस्तों, सरहिंद का फौजदार वजीर खान, ये वही बंदा था जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। 1710 ईस्वी का समय रहता है। बंदा सिंह बहादुर के संरक्षण में सिख सेना सरहिंद पर चढ़ाई करती है। चप्परचिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के फौजदार वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया, और शायद उस दिन वो चैन से सोए होंगे क्योंकि उनका बदला पूरा हुआ। फिर धीरे 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 बंदा सिंह बहादुर ने कई सारे अभियान किए, कई लोगों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। और इसी बीच बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसगढ़ नाम का एक गांव बसाया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। यहीं पर उन्होंने लोहगढ़ नाम का एक किला भी बनवाया, जिसके कारण मुखलिसगढ़ को लोहगढ़ के नाम से भी जाना जाने गया। और बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये पहले बंदे थे जिन्होंने सिख धर्म के सिक्के चलवाए। और इसके साथ साथ इन्होंने जमींदारी प्रथा को हटाकर किसानों को उनके हिस्से की जमीन लौटा दी। एक बार कमज़ोर लोग जो कि जमींदारों की अत्याचारों से सताए हुए थे, वो बंदा सिंह बहादुर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे जमींदारों से मुक्ति दिला दो साहब। तो बंदा सिंह बहादुर अपने सैनिक से कहते हैं इन सबको गोली मार दो। अब जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि अरे यार, वो सोचते हैं कि बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में सुना था कि ये तो इंसाफ करते हैं, ये जो लोग कमज़ोर होते हैं उनका सहारा बनते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर कहते हैं आप सब हजारों की संख्या में होकर भी उन मुट्ठी भर जमींदारों के जुल्मों से बचाने के उपाय नहीं ढूंढ पाए। बात तो उनकी सही थी, और ये बात जो वो हज़ारों लोग खाते हैं उनके मन में घर कर जाती है कि ये बात ये सही कह रहे हैं कि हज़ार लोगों की भीड़ को चार लोग मिलकर दबाए हुए हैं। उसके बाद बंदा सिंह ने सदौरा के युद्ध में सैयदों और शेखों को पराजित किया तथा पीड़ितों को उनका अधिकार दिलवा दिया। ये सब कुछ जब चल रहा था तो अब मुगलों की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि धीरे 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 बंदा सिंह बहादुर का कद बढ़ता चला जा रहा था, लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे थे, उनका जो विजय रथ है वो बढ़ता चला जा रहा था, और मुगलों की जो राज थी वो खतरे में थी। तो मुगल के जो राजा थे उस वक्त के, बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपने संयोगियों के साथ मिलकर बंदा सिंह बहादुर के ऊपर कूच किया। उन्होंने कई सारे अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर कूच किया। बंदा सिंह बहादुर जिन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे, उन्हीं दिनों मुनीम खान के संरक्षण में मुगल सेना ने सरहिंद पर हमला कर दिया तथा सरहिंद सहित आसपास के इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। बंदा सिंह जब वापस आए तब उन्होंने अपनी सेना को अंतिम युद्ध के लिए लोहगढ़ में इकट्ठा किया। इस युद्ध में सिख सेना ने मुगल सेना को हरा दिया, किंतु मुगलों ने और सेना मंगवाई तथा 60,000 सैनिकों के साथ लोहगढ़ किले को घेर लिया। हालांकि बंदा सिंह बहादुर यहां से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में मार्च 1715 ईस्वी में मुगलों ने गुरुदासपुर में स्थित गुरुदास नंगल गांव को चारों तरफ से घेर लिया। ये वही जगह थी जहां बंदा सिंह अपने साथियों के साथ रुके हुए थे, और एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः मुगल बंदा सिंह को पकड़ने में कामयाब रहे। और बताया ये जाता है उसके बाद मुगलों ने बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली में लाकर उनको असहाय पीड़ा दी। मतलब आप सोच सकते हैं, बंदा सिंह बहादुर के दोनों आंखों को निकाल लिया गया, उनके सामने उनके सारे के सारे साथियों के सर कलम कर दिए गए, बंदा सिंह बहादुर के शरीर के एक एक चमड़े को नोच दिया गया, मगर फिर भी बंदा सिंह बहादुर डिगे नहीं।
इसीलिए गुरु गोविंद सिंह सही कहते हैं कि चिड़िया ते मैं बाज लड़ावा, गिदरा तो मैं शेर बनावा, 1,25,000 से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। तो मैं नमन करता हूँ बंदा सिंह बहादुर जैसे लोगों को जिन्होंने सच में ये बताया है कि वीरता इंसान के अंदर होती है, जब आप चाह लो तो ये बाहर आ जाती है। आप कभी भी अत्याचार के सामने अपना सर मत झुकाओ, क्योंकि जो लोग डरते हैं वो हर दिन एक नई मौत मरते हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, बी करेजियस, बी ब्रेव। जिंदगी में आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बंदा सिंह बहादुर जी की जो बहादुरी है वो सब तक पहुँचे।